गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज का ब्लॉग होने वाला है प्रगति मैदान ट्रेड फेयर का। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था मैं जाने के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था टाइम। अब फाइनली टाइम मिला है तो दिखाता हूँ आपको कैसा होता है ट्रेड फेयर और क्या क्या होता है इसमें। चलो बढ़ते आगे। और हाँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको यही प्रगति मैदान, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइज, ये रहा सामने मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल सामने। आप यहाँ से आ सकते हो और ये सामने एंट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात और गाइज, आपको अगर बुक कराना है टिकट तो पेटीएम इनसाइडर से ही बुक कराना, सबसे बेस्ट है वो। और बड़ा अच्छा यू नो इजीली बुक हो जाती है, वहीं से बुक करा के पहले ही आ जाना अगर आपको लाइन में नहीं लगना है। ठीक है ना, लाइन में नहीं लगना तो टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं। जिसको पेटीएम में नहीं लेना, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो चलो दिखाता हूँ अंदर। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ मैं इसमें। पहले एक बार बहुत पहले आया था जब छोटा था। अब देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, क्या आइटम्स नए नए ऐड ऑन। टिकट स्कैन करा ली है, अब चेकिंग वेकिंग करा के जाते हैं सीधा अंदर। वीडियो के लिए वैसे मना कर रहा था वो बंदा, बट फिर भी तुम्हारा भाई तो तुम्हारा भाई है। तो थोड़ा चलने के बाद आपको सामने दिखाई देगा मेन एंट्री। वो देखिए है 12 और 14 नंबर हॉल। चलो इसमें चलते हैं। गाइस इस बोर्ड पे सारी डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। 27 तक ही ये है, तो जल्दी से आ जाना। ठीक है, सारी डिटेल दी हुई है। कुछ ऐसे स्टॉल्स लगे हुए देख सकते हो आप, सारी आइटम्स हैं। क्या है भैया आपके पास? ये जूसर आएगा सर, मैनुअल जूसर आएगा, बिना छीले जूस निकालेगा। ये देखो, कोई भी फल निकालना है, संतरा, मौसम्बी, एप्पल, पाइनएप्पल, कोई भी डालना है मैडम। ऐसे पीसेस करके डालना, बीस के साथ डालना, छिलका बाहर आएगा, जूस बाहर आएगा। ये देखो भाई, ऐसे डाल दो, संतरा है, मौसम्बी, अनानास, पाइनएप्पल, स्वीट लेमन, वाटर मिलन, पोमेग्रेनेट। इसका जो बीज आएगा, बीज बाहर आएगा, जूस बाहर आएगा। इसके अंदर ऐसा पूरा स्टोर होके जाएगा। इसका जो छिलका आएगा, इसे छिलका बाहर निकल जाता है, बीज कटता नहीं, इसे कोई भी फल डाल दो, इसे बीजे निकल जाते हैं। देखो भाई, ड्रेसेस है बड़ी प्यारी प्यारी इनके पास में। अच्छे क्रिएशन, बाद में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनसे। देखो वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट है। वाओ, कल ये लोग अजग देख लो, बढ़िया बढ़िया। ये देख लो भाई, ज्वेलरी बड़ी प्यारी प्यारी है। ज़्यादा क्लोज में करके नहीं दिखा सकता। ठीक है, किन भंडार इनका देखो, बहुत अच्छा। ये भाई सोन हलवा है, बड़ा टेस्टी होता है, टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। हलवा आगे देखेंगे कैसा है, और बहुत अच्छा टेस्ट है। यह है सोन हलवा, आयुर्वेदिक दवाइयों की शॉप है। ये भाई अगर देख लो सारी, राज कमल है ना भाई। देखो ऑफर भी, इनका ऑफर भी देख सकते हो आप। क्रॉकरी आइटम्स बड़े चीप प्राइस पे शायद मिल रही हैं। ऐसा लग रहा अभी गाना गा देंगे ये तो। ये मुझे पसंद है। कलेक्शन आई हुई है गर्ल्स के, बॉयज़ के, सबके ब्लेजर जैकेट्स वगैरह बड़े सही लग रहे हैं देखने में। देखो दिखाता हूँ, गर्ल्स बॉयज दोनों की कैटेगरी में अच्छे आए हैं लेदर जैकेट्स। वाइट वाला देखो सही लग रहा है। कौन से लेंगे? ये आइए
बताना जरा यार, एक आपका प्राइस बताना भैया। ये फीमेल का स्टफ है ना सारा? हाँ सब फीमेल का भैया। देखो भैया फीमेल का स्टफ है, क्या प्राइस है इसका? 3500 का पड़ेगा भैया। कितना? 3500 कॉस्ट है इसका। ये वाला दिखाना, आर लिखा जिसपे। इसका क्या 2500 2500 की ये पड़ेगी, और कलर मिल जाएंगे। क्या क्या कलर अभी अपने पास? कलर बेस में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। मस्टर्ड ग्रे भी है इसमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। 2500 की तो भाई बहुत सही चीज़ है मेरे हिसाब से। ये देखो कितना प्यारा पीस है, इसमें कलर आएंगे 3-4। बहुत अच्छा, इसमें भी कलर इनके पास में 3-4। बहुत प्यारा पीस है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। लेदर में आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा और हाई क्वालिटी का लेदर है। ये मेरे ख्याल से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका क्या कॉस्ट है भैया? 3500। हाँ हाँ, बाइकर जैकेट है। तो चलो ट्राई करते हैं हम भी कुछ ना कुछ अभी फ़िलहाल। तो बैग्स का भी कलेक्शन है भैया के पास, बैग्स का भी है देखो। और ये बैग्स हैं, ट्रॉली बैग्स हैं, वैसे लड़कियों के बैग्स हैं, अपना पिट्टू बैग्स मतलब बैग वगैरह की सारी। ये देखो ये बहुत प्यारे बैग्स हैं सारे। भैया कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपका? अगर इसमें बोल दो एक बार नंबर, 9717373576। ठीक है, मैं मैंशन भी कर दूँगा इस नंबर भैया का, अदरवाइज बोल दिया भैया ने। थैंक यू भैया, थैंक यू। टाइम में देख लो, ट्रिपल लाइन में है, देख लो भाई ये सूट का कलेक्शन है भैया का, ठीक है। स्टाइलिश से कुकवेयर है, अगर जिसको लेने हो तो विजिट कर सकता है, अच्छा कलेक्शन आया हुआ इनके पास में, और डिस्काउंट सेल वगैरह भी रहती है इनके पास। अगली शॉप है भाई, दूर से खुशबू आ रही है बड़ी तगड़ी, मज़ा आ गया। दुबई के सारे ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे आपको। रियल स्टोन की शॉप है, सारी ज्वेलरी जो रियल स्टोन में बनी हुई है देखो। देख लो भाई ये ग्रो फ्रेशनर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक टाइप थोड़ा और आयुर्वेदिक टाइप। ये कौन सा भैया? लेमन ग्रास। आज हुसैन का प्रोडक्ट की सारी एग्जीबिशन लगी हुई है पूरी प्रॉपर, देखो ये भी सनाज हुसैन की एग्जीबिशन आई थी वो यहाँ पर, देख लो फ्रंट से भाई सनाज हुसैन का पूरा। ये VLCC का लगा हुआ है भाई यहाँ पर। हॉल से एग्जिट ले रहा हूँ मैं, ये इसकी एग्जिट है, बढ़ते हैं दूसरे में 8th to 11th। ये हॉल नंबर 14 है, इसमें जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या है इसमें माल मसाला। वो यहाँ पे कपड़ा और वेयरिंग आइटम्स दिख रहे हैं सारे, चलो देखते हैं क्या क्या है। अभी जूतियाँ पंजाब से देखो, कुशन वगैरह, पिल्लो वगैरह का कवर्स वगैरह, थोड़ा सा राजस्थानी वर्क में हैंडक्राफ्ट है पूरा, नया हैंडक्राफ्ट चीट्स। जूट्स के आइटम बड़े प्यारे प्यारे, नंबरवार है, कटोरिया है, बड़े अच्छे अच्छे जूट्स के आइटम है। बिहार हम यहाँ करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक और क्विज शो आप लोगों के लिए। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो। मैजिक शो में भी आप लोगों के कुछ गिफ्ट हैं, तो आप लोग मैजिक शो भी देख सकते हो। हम कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक और क्विज शो, ये तीन चीज़ें। बाकी अंदर आप लोगों के गेम्स अवेलेबल, एक्सपीरियंस जोन है। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर होस्टिंग मिस्ट्री ऑफ पावर फॉर वीकेंड। थैंक यू।
चिंदल स्टेनलेस, काफ़ी सारे आइटम दिखाए हुए हैं। चिंदल वालों के फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं ये, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला। क्या बात है हम घूम है यार, जो भी है बहुत बड़ा है काफी, मतलब ये है कि बंदा एक दिन पूरा बिता सकता है यहाँ पर आराम से। देखिए देखिए जा रहा हूँ 11 नंबर हॉल में भाई, आईफोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा वैमरा यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाता थोड़ा, पर आईफोन तो तुम्हें पता ही है माशाल्लाह अपना है ही इतना बढ़िया, 14 प्रो मैक्स हल्के में ले रहे हो क्या अलविश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? अलविश भाई का स्टॉल लगा हुआ है, इसकी शायद ब्रांड अम्बेसडर जूही चावला है, देखो इनके प्रोडक्ट्स है। कोई बड़ा फेमस स्टॉल है हरि दर्शन, और देखो कितना अच्छा बना रखा है राम जी का, राम जी की लक्ष्मण जी की प्रतिमा। केसरी, ये भाई केसरी वालों का स्टॉल है, बंदा वालों ने कर रखा है डेकोरेशन बढ़िया है, देखो हार्ट बना रखा पूरा। भाई काफी कुछ है इनके पास, आओ चाट मसाला चाट ये सब है भाई, मस्त बना रखा है। देखो पहले ये देख लो आप, टिकट वगैरह जिसने ली हुई है, स्पेशल अट्रैक्शन, स्पेशल अट्रैक्शन है ये, और वो देखो आप भाई पूरा इंटरनेशनल किया हुआ है मसला, ये देखो मोदी जी होल नंबर वन वहाँ से स्टार्ट होता है, भाई अब मैं आ गया हूँ हॉल नंबर 7 में, चलो भाई देखते हैं इसमें क्या है। बाकी तो मोस्टली मुझे सब कुछ सेम सा ही लग रहा है यार, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं हो रही, 3-4 में मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, 2-3 में एटलीस्ट, बट ऐसा कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहूँ अरे वाह यार ये तो अलग ही कुछ चीज़ है यहाँ पर, चलो देखते हैं क्या है। चीज़ें देखो लकड़ी की वुड की आइटम्स है, डेकोरेटिव सभी प्यारे प्यारे हाउस होल्ड भाई, ये भी देखो सारी चीज़ें, ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, जीजस का भी है देखो, मतलब सारे भगवानों का है यहाँ पे, ये बहुत स्टाइलिश सा मिरर है, ये सरस मार्केट में यहाँ पर, ये देखो वुड की आइटम्स
वैसी भी सेम ही टाइप की। यार ये थोड़ा सा मेरे को अलग लग रहा है, इसको देख के अच्छा सा फिलहाल देखो। वाह भाई लास्ट साइज की है करीब 8x3 का साइज है, नहीं 8x4 का साइज है, 8x4 का साइज है पूरा कृष्ण भगवान की। मैडम उत्तराखंड की ये नीचे से नीचे ही बनता है। उत्तराखंड के आइटम पर कुछ यूनिक बैग लगे मुझे, कितना अच्छा डिजाइन है करते दे रहा इनकी। क्या नाम है भैया फॉर्म का आपका? नहीं वो नहीं है सर, वो दूसरा है इसका, ये इसका सुशीला। अच्छा ये अलग है, ये अलग है, देखिए ट्राई करते हैं इनकी चाय जरा पीकर देखते हैं। एकदम बढ़िया है सर भाई ये कुड़की चाय, बड़ी यूनिक चाय है। ये एक और अदरक वाली अच्छी लगती है, ये मसाली चाय सर, सर्दी खांसी ठंडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मसाले वाली बता रहे हो? तीन दिए तो अदरक वाली ये बहुत अच्छी लगी। देखो एरोज की लकड़ी के बने हुए डिज़ाइन है, ये पुराने ज़माने टाइप के, देखो। और इन्होंने एक स्कीम रखी हुई है 70 रुपीज़ के 6 शॉट आप हिट कर सकते हो, तो मैं भी सोच रहा हूँ ट्राई करने की। बट ये मेरा एक भाई, ये एक दोस्त बोल रहा था उसको चाहिए थे एरोज के, उसके लिए ये बेटर है, हो सकता है वो ले भी जाए। भैया अपना नंबर बोल दीजिए अगर बाद में कॉन्टेक्ट करना हो तो किसी को। 8107338078 ठीक है, नंबर मेंशन भी कर दूंगा भैया का, जिसको मंगाने हो घर पे मंगा सकता है, मंगा सकता है ना भैया घर पे? ठीक है, थैंक यू भैया। ये पवेलियन जहाँ G20 सबमिट हुआ था, बड़ी प्यारी लाइटें लगा रखी है भाई, बड़ा सही बना रखा है इंटरनेशनल लेवल का। इधर है और ये फूड स्टोर लगे हुए सारे देखो अलग अलग जगह के, सॉरी कम कर वेज नॉन वेज दोनों हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर मिल गई सीट तो मिल गई। खाली कराइए दाल बाटी वाली कर रहे हैं कभी हलवा वगैरह वगैरह। दाल बाटी, दाल बाटी, दाल बाटी की लड्डू भी देते हैं। ये बेसन गड्ढे की सब्जी है जो मिस रोटी नदी के सांगरी हलवा चूरमा गड्ढे की सब्जी दाल बाटी एक बाजरा रोटी एक मिस रोटी आ रही है। सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया भैया ने अपने आप ही। बाजरा मिस्सी दो भाई, बाजरे की मिस्सी रोटी है वो भी पैक कर रही है इनका स्टॉल है राजस्थान का। भाई एक बार चौकी धानी में खाया था, बहुत टेस्टी खाना होता है भाई, एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का टेस्टी होता है। जैसा कि भैया ने बता दिया था भाई, देख लो ये है खाना राजस्थानी। भाई काफ़ी बड़ा यूज एरिया है ये, अभी हॉल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 है, फिर उधर 3 है। ये देखो पानी का फाउंटेन कितना सुंदर लग रहा है, इसको सिनेमैटिक जरा बनाते हैं चल के, कुछ शॉट लेते हैं इसके।
काफी यूनिक डिजाइन है भाई, अच्छा लग रहा है भाई। वो देखो कॉन्फिडेंस में प्यार लग रहे हैं, वो कवर कर मेरे ख्याल। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस हो रही है, देखो वो खड़े बंदे और ये पूरा फाउंटेन शो है। वाओ, और ये सामने पवेलियन है, काफ़ी बड़ा बना हुआ भाई साहब। वाओ, पूरा दुबई वाला फील आ गया सच में। हॉल नंबर वन मेन जहाँ से इंट्रेंस था वैसे, तो अब हॉल नंबर वन में हम चलने लगे हैं। गला बैठा हुआ है मेरा, थोड़ा कोल्ड है, आवाज़ थोड़ी मेरी ऐसी सी हो रही है अभी। ये देखो यहाँ तो ये पूरा मराठी ड्रेस है, देखो पूरा मराठी ड्रेस है। देखो लाइव बुनाई करते हुए दिखा रहे हैं लोग, देखो लाइव, देखो गाइस ये देखो लाइव यूज करते हुए पूरा। भाई ये देखो क्या बात है भाई, शुरू का लगा ना पूरा खर्चा पूरा कर रखा भाई। ये देखो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, पूरा बताया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या हुआ है चंद्रयान का, देखो इतना प्यारा लग रहा है ऊपर चंद्रयान। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देख लो भाई कितने प्यारे प्यारे डिजाइन हैं मूर्तियों के, ये इनकी आउटलेट है। और ये कार्ड इनका स्कैन करके आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिल्ली वाला देखो, छठ पूजा, ईद, दिवाली, गोलगप्पा,
दिल्ली दिल्ली की है एग्जीबिशन सारे। देखो देसी की है शायद तेल पॉइंट्स हो। ये देखो भाई कितना अच्छा बना रखा है अक्षरधाम का। ये लोगों की देखो इनके पास पूरी कलेक्शन है अलग अलग टाइप के बच्चों के। गिफ्ट कर सकते हो बच्चों को। ये ऑटो बड़ा सही बनाया हुआ है इन्होंने, काफी मजबूत था। दिल्ली का मैप देखो गाइस, दिल्ली का मैप। अब ये पवेलियन दो में जा रहा हूं मैं, हॉल नंबर दो, बिहार केरला। सेम ही तो है ये दोनों, ये वही वाला। सब अपने काम की चीज भाई लोग। आंटी चलता है ये? चलता है? नहीं चलता सर। अच्छा बस वो ठीक है, चला देते एक बार थोड़ा। बिकेगा नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा था ओरिजिनल है ना ये, सो पीस तो नहीं है? वही पूछ रहा था, वर्किंग है भाई ये सारे? सो पीस नहीं है ये सारे। देखो घड़ी की बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास, देखो सारी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है घड़ी की। ये देखो भाई रैम्स, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये हमारे आदरणीय मोदी जी वसुदेव कुटुंबकम का आरंभ करते हुए। देखिए ये हमारे, ये ले देखो डायलॉग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रखा है माताओं बहनों की सेहत क्या है, देख रहे हो ब्रांडिंग मोदी जी की। उत्तर प्रदेश नहीं यार, योगी जी का होना चाहिए था उत्तर प्रदेश के, तो मैं उत्तर प्रदेश। अरे क्या बात है भाई, मंदिर का डिजाइन बनाया है पूरा, पूरा भगवा रंग से पूरा भर रखा है। देखो उत्तर प्रदेश, वो देखो भाई हर जगह भगवा रंग, फिर हरा रंग आ गया। ये देख लो भाई काफ़ी अच्छा है यार ये उत्तर प्रदेश वाला, भाई इंटरनेशनल आ गया जो अफगानिस्तान का स्टॉल। क्या प्यार करेगी अफगान जलेबी माशूक फरेबी। सब दुबई, दुबई अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, ईरान, ईरान के ड्राई फ्रूट्स, कालीन, बैग्स, वॉचेस, वॉल क्लॉक, कुछ हनीज वगैरह घड़ियाँ या ये जो भी है, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स, ईरान का है।
भाई थाईलैंड का कलेक्शन है पूरा। थाईलैंड शॉपिंग विंटर वेयर ड्रेसेस एट 1000 डू हैव अ लुक इनसाइड। चरखा बनाया हुआ है गांधी जी का, बहुत बड़ा ही है। ये देखो भाई, ये है कल कारीगरी तो बढ़िया। देख लो भाई, खादी है तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। आओ चलो देखते हैं अंदर, आओ गांधी जी का दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। हर जगह मोदी जी छाए हुए हैं हमारे, ये देखो हर जगह, हर जगह अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है मोदी जी की। ये बापू जी हमारे, ये देखो एक और ब्रांडिंग देखो मोदी जी की, देखो और ऐसा लगेंगे आपको ही देख रहे हैं हर जगह से। अब ये पता नहीं कौन है, गांधी तो नहीं लग रहा ये देखना। बापू 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 भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। क्षेत्र कुरुक्षेत्र भाई, ये देखो बड़ा अच्छा लगा दिखा रखा मन में। ये देखो भाई हरियाणा का कितना प्यारा बना रखा है, वाह। यहाँ पर आने के बाद बंदा हम बोल सकता है। बाबा जी का टुल्लू, बाबा जी का टुल्लू, इसको बोल रहा है बाबा जी का टुल्लू ले रहे। प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल, काफ़ी कुछ दिखा रखा भाई हरियाणा के बारे में। देख लो पूरा वर्कआउट दे दिया आपको। ये देखो ज़्यादातर ओलंपिक्स वाले बंदे हमारे हरियाणा से। ये देख लो भाई मक्खन निकालते हुए, मैंने अपने से ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया। ट्रेड फेयर उत्तराखंड में चलते हैं, देखो उत्तराखंड का आ गया, लेट्स मूव टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में इतना कुछ नहीं दिखा रखा,
आ गया शहर से। ये भाई अपना उत्तराखंड है, मैं तो गया उत्तराखंड। खैर रियल फ्लावर्स हैं ये, आज की लास्ट एग्जीबिशन है देखिए केरल की, बहुत ही सुंदर बनाई हुई पूरा, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ। देखो भाई मेरे को सबसे बढ़िया ये लगी है, देख रहे हो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। ट्रेजर वो दिखा रखा है पूरा खजाना, वो देखो सब्जियों का बना हुआ दिखा रखा है, ऊपर दिखा रखा है इतना बड़ा जहाज, इधर भी वो सेल दिखा रखा है ना, ये देखो ये ब्रिज दिखा रखा है। बंद हो गया क्या यार, थोड़ा शूट करने देते एक बार, बस ऐसे एक वॉक लेकर आ जाऊंगा। तो बंद हो चुका है, मना कर रहे भैया जाने के लिए, बाकी अभी ऐसे ही आप देख लो। क्यूट सा आर्ट लगा मेरे को, देखो सर क्या है प्राइस क्या है बताना जरा। सर ये 500 में एक आएगा, इस तरफ वाला 300 का, 500 में आएगा। देख लो भाई 300 का ये वाला सेक्शन है इनका, 500 का ये है, वुड है ना ये, क्या ये, अच्छा एक्रेलिक पेंटिंग्स है, पेपर आर्ट। ये भाई पंजाब का है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश का है, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं पिलर बने हुए। शायद बंद कर दिया इन्होंने, शायद बंद 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 कर दिया। पैसा वसूल है यहाँ पर आना गाइस, 80 रुपीज इज वर्थ इट फॉर ऑल दिस थिंग्स। काफी अच्छा कॉन्सर्ट जा रहा है, मैं सामने जाके दिखाऊंगा अगर हो सका तो। Srimati Mini ma'am to kindly do the honor, kindly felicitate Shri Faisal Tekin Card Band. तो गाइस पहले ही वेलकम कर दें इन्होंने 2024 के लिए, और हाँ डेफिनेटली मैं तो दिल्ली में अगर हुआ, अगर डेफिनेटली मैं दिल्ली में हूँ उस टाइम पर 2014 में और 24 में सॉरी, तो मैं डेफिनेटली आऊँगा जरूर भाई एक बार फिर से। बाकी देखो उधर भी फाउंटेन है, इतना मत लग रहा है, ये एग्जिट था इसका बहुत बड़ा सा, ये देखो एंट्री और एग्जिट गेट है, ये बहुत ऊँचा बनाया हुआ है। Thank you.
यार ये बोटल्स वाले अच्छे लग रहे थे। अब शायद देखे ना, ये भारत मंडपम का ही गेट है। ये तुम्हारा तो वाइंड अप कर रहा हूँ ब्लॉग आज का, देख ही लिया होगा आपने कैसा लगा वीडियो, में देख के जरूर बताना, कमेंट जरूर करने हैं सबको। और ओवरऑल जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, और फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया इसमें, और जिसने मेरे को सजेस्ट किया थैंक यू सो मच। ये मैं जस्ट एग्जिट करके खड़ा हूँ, ये देखो। बाकी मिलता रहूँगा आपसे ऐसे ही नए नए जगहों पर, नए नए ब्लॉग में तो कमेंट करते रहना कौन सा ब्लॉग आप देखना चाहते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लव यू, बाय।